हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज हम बनाएंगे गाजर मटर की सब्जी। उसके लिए हमने कुछ गाजर लिए हैं और उसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, और एक कटोरी हमने मटर लिए हैं। टमाटर का हमने प्योरी बनाई हुई है वो ली है। इसके साथ हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट के लिए हैं। 1 कटोरी गाजर, 1 कटोरी मटर। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। थोड़ा हम इसको पहले गरम कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ी सी हींग पाउडर डाला है। जब ये खुशबू छोड़ देगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। हम इसमें डाल देंगे। अगर आप पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप उसको काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने इसमें डाली है राई। उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। राई में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी सब्जी को बना देते हैं। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, वो अब हमने इसमें डाल दिया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसके साथ साथ हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने मेथी का पाउडर लिया, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लिए, और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर लिया। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर देंगे ताकि हर मसाला अपना कलर और फ्लेवर को छोड़ दे। हम इसको मीडियम आंच में बना रहे हैं ताकि मसाले जलने ना पाए। अब हमने जो टमाटर की प्योरी बनाई हुई है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने धनिया पाउडर भी मिक्स किया हुआ है और थोड़ा सा हमने इसमें जीरा पाउडर भी मिक्स किया हुआ है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने जो मटर छिल के रखे हुए हैं अच्छी तरह से हमने उनको पहले धो लिया था, अब वो मटर हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इनको हिला देंगे। हमने मटर निकाल के फ्रिज में रखे हुए थे और अब हमने डालने से पहले उनको थोड़ा धो दिया। जो हमने गाजर काट के रखी हुई थी वो गाजर हमने अब इसमें मिक्स कर दिए। अच्छी तरह से हम सबको मिक्स कर देंगे और हम इसको मीडियम आंच में ही बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार और क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा भी भुना था जब हम पहले ऑयल में मसाले भून रहे थे। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसी तरह से बनाने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए बंद कर देंगे। ताकि ये थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है ढक्कन, और इसको हम मीडियम आंच में पकाते जाएंगे।
15 मिनट लगभग हम इसको पकाएंगे। अब हम देखते हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, अच्छे बने और मसाला भी एकदम मिक्स हो गया सब्जी में। बहुत ही टेस्टी बने होंगे। इस तरह से ये बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का, आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फिर कवर कर देंगे हम, ताकि थोड़ी देर और ये पक जाए और बराबर सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको देखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसके साथ साथ ये बहुत हेल्दी है और हम इसको खाना पसंद करते हैं। सब कोई इसको खाना पसंद करता है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल लें तो और भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसके ऊपर बनाने के बाद देसी घी डाल सकते हैं। आप भी अपने घर में से ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा।